बहुत बड़ी जिम्मेदारी पंजाब ने हमारे कंधों पर सौंपी, आम आदमी पार्टी की सरकार पर सौंपी है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर आंख मूंद कर विश्वास कर पंजाब ने इतना बड़ा मैंडेट दिया। पंजाब ने अपने सबसे प्यारे लीडर भगवंत मान को मुख्यमंत्री चुना और अब बातें कम काम करने ज़्यादा का समय आ चुका है। और जो डिपार्टमेंट्स मुझे एलोकेट हुए हैं, जो मेरे पोर्टफोलियो हैं, उसमें सबसे अहम लॉ, टूरिज्म, माइनिंग, जेल्स। और आप जानते हैं कि पंजाब में माइनिंग माफिया बहुत प्रचलित रहा, हज़ारों करोड़ का यह माइनिंग माफिया। तो ये हमारी प्राथमिकता है कि पंजाब में एक ईमानदार माइनिंग पॉलिसी, क्योंकि हम केजरीवाल के मंत्री हैं, भगवंत मान के मंत्री हैं, 101% ईमानदारी के साथ पंजाब से माइनिंग माफिया खत्म करेंगे। और वो जितनी लूट का पैसा होता था वो पंजाब सरकार के खजाने में आएगा और पंजाब सरकार के खजानों से वो पैसा दोबारा पंजाब की जनता तक जाएगा। देखिए जी, लोगों को सस्ती रेता बजरी मिलना और पंजाब सरकार की लूट बंद होना, ये प्राथमिकता है। विदिन 3 महीने में अपने सीएम मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के सामने माइनिंग पॉलिसी बनाकर बेस्ट ब्रेन से पूरी माइनिंग, नई माइनिंग पॉलिसी लेकर जिसमें कोई लूट ना हो। या मैंने तो बोला था जी, केजरीवाल का मंत्री हूँ, अरविंद केजरीवाल का सिपाही हूँ, या माइनिंग माफिया रहेगा या हरजोत बैंस रहेगा, दोनों में से कोई। आज तक अभी तक क्या था कि पंजाब से लोग बाहर जा रहे थे। हम पंजाब को दुनिया के सामने खोलेंगे, हमारे गांव बहुत खूबसूरत हैं, हमारे तीर्थ स्थान बहुत खूबसूरत हैं। पंजाब तो आप किसी भी पंजाब के किसी भी कोने में चले जाओ, वो टूरिज्म से कम नहीं है। पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए पंजाब को खोलेंगे।